जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू T9 स्कूल्स। दोस्तों, क्या अभी भी बिटकॉइन खरीदने के बारे में आप सोच रहे हैं? क्या बिटकॉइन को परचेज करना चाहते हैं, या फिर दोस्तों आपको यहां पर एक बड़ा रिस्क फैक्टर लग रहा है कि अगर आप बिटकॉइन को इस समय पर खरीदेंगे तो वहां पर एक बड़ा रिस्क फैक्टर हो सकता है? क्या यहां से बिटकॉइन का प्राइस नीचे जा सकता है और $20,000 तक के लेवल पर पहुंच सकता है, यानी ये वाला जो लेवल है इस तक जा सकता है, या फिर यहां से बिटकॉइन का प्राइस अप जाता हुआ $70,000 के लेवल को क्रॉस करेगा और कब तक? चलिए इसके बारे में यहां पर देख लेते हैं। साथ ही बिटकॉइन का प्राइस का बिगेस्ट अपडेट क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही उसके पास वाला बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि डेली बेस पर लेटेस्ट क्रिप्टो करेंसीज का अपडेट यहां पर हम आपको देते रहें। चलिए बिटकॉइन प्राइस एनालिसिस के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा यहां पर बात कर लेते हैं कि बिटकॉइन का अभी ओवरऑल क्या चल रहा है। अगर देखा जाए तो दोस्तों, वर्ल्ड इज अबाउट टू चेंज फॉरएवर एज टुडे इज द लास्ट डे ऑन प्लैनेट अर्थ वेयर बिटकॉइन वॉन्ट बी लीगल टेंडर समवेयर निक माइन विद मोर। तो अभी तक दोस्तों कहीं पर भी जो बिटकॉइन है वो लीगल टेंडर नहीं थी, लेकिन क्योंकि एल सेल्वाडोर बिटकॉइन को अब लीगल टेंडर घोषित कर रहा है, तो 7 सितंबर को दुनिया में पहली बार ऐसा होगा जब बिटकॉइन एक लीगल टेंडर घोषित कर दी जाएगी। थाउजेंड्स ऑफ पीपल प्लान टू बाई $30 ऑफ बिटकॉइन टू सेलिब्रेट एल सेल्वाडोर। अब दोस्तों मिलियंस ऑफ पीपल हैं, जैसे रेड इन कम्युनिटी, एल सेल्वाडोर के सभी लोग और अलग अलग कंट्रीज के बहुत सारे लोग जो कल बिटकॉइन का $30 का बिटकॉइन खरीदने जा रहे हैं बिटकॉइन के लीगल टेंडर को सपोर्ट करने के लिए। और दोस्तों इससे बिटकॉइन के प्राइस पर थोड़ा सा इंपैक्ट तो जरूर पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोग बिटकॉइन को यहां पर खरीदेंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि ग्लासडोर खुद यहां पर यह बताता है कि बिटकॉइन का जो एक्सचेंजेज पर वॉल्यूम है वो कम हो रहा है, जबकि बिटकॉइन का प्राइस यहां पर बढ़ रहा है। अब दोस्तों बिटकॉइन पर जो वॉल्यूम कम हो रहा है एक्सचेंजेज का, ये बिल्कुल भी बेयरिश मार्केट का संकेत नहीं होता, बल्कि ये बुलिश मार्केट का संकेत होता है। इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बिटकॉइन को इस समय पर एक्सचेंजेज पर नहीं रख रहे हैं, यानी बेचने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने बिटकॉइन जो है कोल्ड वैलेट या कहीं और पर रखे हुए हैं, जिसकी वजह से ये सारे के सारे बिटकॉइन ऑलरेडी होल्ड माने जाते हैं और इससे जो बिटकॉइन का प्राइस है वो बढ़ता है घटता नहीं है, यानी दोस्तों ये एक बुलिश मार्केट का संकेत होता है। तो दोस्तों यहां पर बिटकॉइन के बुलिश मार्केट के इस समय पर दो संकेत हैं। नंबर वन, बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित किया जा रहा है किसी कंट्री में, जिससे बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। दूसरी बात, बिटकॉइन का ब्लॉकचेन पर डेटा घट रहा है, एक्सचेंजेस पर डेटा घट रहा है। और तीसरी बात दोस्तों, बिटकॉइन का प्राइस लगातार यहां पर बढ़ रहा है। अब दोस्तों यहां पर ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं कि बिटकॉइन का ग्राफ क्या कहता है। अब दोस्तों यहां से अगर बात करें 24 सितंबर 2020 से आज 6 सितंबर 2020 है, तो दोस्तों 9 सितंबर 2020 को, यानी दोस्तों आज से लगभग एक साल पहले, बिटकॉइन का जो प्राइस था वो $10,000 के आसपास था। और तब से लेकर अभी तक बिटकॉइन के प्राइस में जो टोटल ग्रोथ हुई है लगभग 5 गुना की ग्रोथ हुई है। अब दोस्तों ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये 5 गुना की ग्रोथ कुछ भी नहीं है अगर दोस्तों लॉन्ग टर्म में यहां पर देखा जाए, क्योंकि दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो 284.35 2015 में इसका प्राइस था, और 284.35 से अगर 2021 के प्राइस को कंपैरिजन करेंगे तो इसके प्राइस में लगभग 200 गुना की बढ़ोतरी ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन दोस्तों वहीं पर अगर 2017 के मुकाबले आप बात करें तो 2017 दिसंबर में ऑलरेडी बिटकॉइन का प्राइस लगभग $19,000 तक पहुंच चुका था। तब से दोस्तों भले ही इसका प्राइस यहां पर नीचे गया, नीचे जाने के बाद अप आया, अप आने के बाद नीचे गया और नीचे से फिर अप आया, लेकिन कुल मिलाकर 2017 दिसंबर से अभी तक बिटकॉइन के प्राइस में सिर्फ 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है, इससे ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। यानी दोस्तों यहां से इस ग्राफ को सीधा कर दिया जाए तो ये ग्राफ बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा था। दूसरी बात यह है कि बिटकॉइन का प्राइस $60,000 से लेकर अगर मार्केट बेयरिश होता तो यहां पर बिटकॉइन के प्राइस को डाउन में जाकर $20,000, ये जो 2017 वाला लेवल जो था बिटकॉइन का, जो 20,000 का लेवल था, यहां पर इसे पहुंचना चाहिए था बिटकॉइन को, लेकिन दोस्तों यहां पर ये ना पहुंचकर बिटकॉइन का प्राइस जो है वो सीधा अप गया, और अप जाने के बाद डाउन होने के बाद फिर से यहां पर दोस्तों बिटकॉइन का प्राइस बढ़ना शुरू हुआ। और अब दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 3 जुलाई 2021 से अगस्त सेप्टेम्बर, यानी 2 महीने लगातार हो गए हैं जब बिटकॉइन का प्राइस सीधी रेखा में एक बार फिर से उसी रेखा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जिस रेखा में पहले बढ़ा था, लेकिन इस समय पर बिटकॉइन का प्राइस अभी ज्यादा नहीं बढ़ा है। पिछले एक साल के बिटकॉइन के ग्राफ के बारे में बात की जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं बिटकॉइन का जो मैक्सिमम प्राइस गया था वो $63,576 तक गया था। अब दोस्तों यहां पर अगर इसके प्राइस को देखा जाए और यहां से सीधी रेखा में इस तरह से यहां से आ जाए तो नीचे बिटकॉइन का प्राइस जो टच किया वो 29,971, ये जो 30,000 वाला लेवल था
इसे टच करने के बाद इससे बिल्कुल भी ये नीचे नहीं आया और यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ यहाँ पर इसने पकड़ लिया। ये जो लोवेस्ट लेवल था यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 जुलाई 2021 का लेवल था और तब से अभी तक अगर यहाँ पर बिटकॉइन का मार्केट थोड़ा सा भी बेयरिश होता तो यहाँ पर पिछले एक महीने में कभी भी ऐसा नहीं हुआ जब बिटकॉइन का मार्केट गिर रहा था तो एक महीने तक लगातार या दो महीने तक लगातार बिटकॉइन का प्राइस गिरा हो, यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस नीचे जाना चाहिए था। लेकिन दोस्तों जिस तरह से बिटकॉइन के सारे अपडेट आ रहे हैं, मार्केट अपडेट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और यहाँ पर जिस तरह से बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है और जिस तरह से मार्केट डेटा पूरे का पूरा बढ़ाता है, यहाँ पर बिटकॉइन गोल्डन जो रेखा है यहाँ पर गोल्डन जो है गोल्डन माना जाएगा $55,000 का लेवल इसे क्रॉस करेगा। ये वाला जो लेवल था ये गोल्डन लेवल है 58,771। मैंने आपको बताया था लगभग एक महीना पहले बिटकॉइन के बारे में जब बिटकॉइन का प्राइस $40,000 के आसपास था, आप मेरी पिछली वीडियो देकर जाकर देख सकते हैं जहां पर मैंने बताया था यहां पर जिस समय 40,000 के आसपास जब बिटकॉइन का प्राइस था कि अगर ये $42,000 के लेवल को क्रॉस करता है तो फिर सीधा बिटकॉइन का प्राइस $47,000 तक जाएगा और हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसने $47,000 के लेवल को क्रॉस किया और दोस्तों अगला अपडेट ये था कि अगर $47,000 के लेवल को क्रॉस करता है तो ये $50,000 के लेवल को क्रॉस करेगा, तो ऐसा इसने किया। अब दोस्तों यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस जो है $50,000 के लेवल को इस जो बिटकॉइन के प्राइस को क्रॉस किए हुए हैं वो लगभग 3 दिन हो चुके हैं, 4 सितंबर के आसपास इसने $50,000 का लेवल क्रॉस कर लिया था। अब दोस्तों $50,000 का क्रॉस लेवल करने के बाद इसे वापस आना था $45,000 के आसपास अगर मार्केट यहाँ पर बुलिश ना होता, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस वापस जो ये वाला लेवल है $45,000 का लेवल, ये वाला जो लेवल है लगभग यहाँ पर $45,000 का लेवल है यहाँ पर इस लेवल पर वापस आना था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये वापस नहीं आया, ये वापस नहीं आया यानी यहाँ से बिटकॉइन का प्राइस अब जो इसका गोल्डन लेवल है $55,000 का उसे क्रॉस करेगा और उसे क्रॉस करने में इसे दोस्तों 15 सितंबर से पहले पहले $55,000 के लेवल को क्रॉस करना होगा। अब सितंबर से पहले पहले $55,000 के लेवल को क्रॉस करने के बाद बिटकॉइन का प्राइस बहुत ही तेजी के साथ ऊपर जा सकता है और दोस्तों मैं आपको ये बोलूंगा कि अक्टूबर में बिटकॉइन का प्राइस ये जो $70,000 के लेवल को क्रॉस कर सकता है अक्टूबर के एंड तक, और दोस्तों अक्टूबर के एंड तक अगर $70,000 के लेवल को इंक्रीज करता है तो बहुत सारे अल्टकॉइंस का प्राइस भी यहां पर काफी अच्छा हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बिटकॉइन का प्राइस नवंबर के एंड तक जो अपडेट आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग $80,000 या $85,000 के लेवल को क्रॉस कर सकता है और दिसंबर 2021 में बिटकॉइन का प्राइस लगभग $100,000 तक पहुंच सकता है अभी तक का जो अपडेट है। लेकिन दोस्तों क्रिप्टो मार्केट रिस्क से भरा हुआ है, जो भी आप करें बहुत ही सोच समझकर करें, लेकिन दोस्तों ये गोल्डन टाइम हो सकता है बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने का और यहां से बड़ी इनकम अर्न करने का। दोस्तों अगर होल्ड करके नहीं रखना चाहते तो आपके पास सबसे अच्छा इस समय पर जो ऑप्शन है वो फाइनेंस ऑटो ट्रेडिंग का हो सकता है जो कि फाइनेंस के सेक्टर में बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी से बहुत सारे लोग बहुत ही ज्यादा इनकम कर रहे हैं। अगर आपको भी इससे इनकम करनी है, एक एक दिन की इनकम यहाँ पर आप देख सकते हैं $4,000 $5,000 $8,000 या उससे भी ज्यादा की अर्निंग, तो दोस्तों अगर आपको इस टाइप की अर्निंग करनी है, बड़ी अर्निंग करनी है $8,000 $6,000 $5,000 $4,000, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहां पर आपको लिंक मिलेगा लिस्ट साइन अप विद बाइनेंस ऑटो ट्रेडिंग, उस लिंक पर क्लिक करके साइन अप कर लें बाइनेंस ऑटो ट्रेडिंग के साथ और उस लिंक पर क्लिक करने के बाद दोस्तों वहीं पर ऊपर की तरफ एक वीडियो मिलेगी जिसमें यह दिया हुआ है कि इसे एक्टिवेट कैसे करना है, उसे देखने के बाद एक्टिवेट कर लें। यहाँ पर आपका ये एक्टिवेट हो जाता है तो दोस्तों उसके बाद हम भी आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और नहीं भी करते हैं दोस्तों अगर तो दोस्तों बाइनेंस ऑटो ट्रेडिंग की हेल्प से बड़ी आसानी से आप एक अच्छी इनकम डेली बेसिस पर अर्न कर सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी है, इस नई टेक्नोलॉजी से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा फायदा उठाकर इस समय पर बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और जिस तरह से शुरू में बिटकॉइन आया था, जिस तरह से बिटकॉइन माइनिंग आई थी उस समय पर जिस तरह से लोगों ने बहुत अच्छा पैसा कमाया था, इसी तरह से स्टार्टिंग में यह टेक्नोलॉजी है। अभी कम लोगों को इसके बारे में पता है तो दोस्तों कम लोग यहाँ पर ऑटो ट्रेडिंग का सहारा ले रहे हैं, लेकिन दोस्तों जो ले रहे हैं वो बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और आने वाले साल तक बहुत अच्छी अर्निंग करेंगे क्योंकि बाइनेंस जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट है आपको आपके बिहाफ पर ऑटो ट्रेडिंग करके दे रहा है और आपको यहाँ से एक अच्छी अर्निंग हो रही है। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा यहाँ पर इनकम कम होती जाएगी तो ये आपके पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसके अलावा इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने दुनिया की बेस्ट एक्सचेंज वगैरह का लिंक दे दिया, उस पर भी साइन अप कर सकते हैं अगर आपको अल्टकॉइंस खरीदने हैं या क्रिप्टोकरेंसी